सही काटने वाली मशीन है ये कितने की है? कहता है मैंने 5 साल पहले ली थी 5 लाख यूरो की ना, तो वो देखे जी ये मशीन इस तरह की है कुछ, ये देखें कैमरे में देख रहा है एलसीडी में कि सही अंदर ट्राली के अंदर ही जा रहा है माल या बाहर तो नहीं जा रहा। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं इस वक्त खड़ा हूँ इटली के मकई के खेतों में और मकई की कटाई हो रही है, वो देखें मेरे पीछे। तो आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाना है कि इटली में मकई की कटाई किस तरह होती है। अच्छा मैं आपको बताऊं कि ये जो मकई है जानवरों के लिए चारे के तौर पे इस्तेमाल होती है, इसको छलियाँ भी लगी हुई हैं और जो डेयरी फार्म वाले हैं उनकी अपनी ये ज़मीन है, उन्होंने अपनी ये मकई लगाई हुई है और अभी काट रहे हैं। ये देखें एक ट्राली जो है वो भर के गई है, बहुत बड़ी बड़ी ट्राली है ये ना, और वो वाली मशीन काट रही है, वो देखें बड़ी स्पीड है इस मशीन की। इस मशीन को मैं आप अंदर बैठ के ड्राइवर के साथ आपको दिखाऊंगा कि ये काम किस तरह करती है मशीन ना, और कितनी देर में भरती है, सारा कुछ आपको नज़दीक में मतलब पास बिल्कुल जाके आपको दिखाऊंगा। और मैं तो पहली दफ़ा देख रहा हूँ, मेरा तो बड़ा दिल कर रहा जाके देखने का, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको भी मेरी तरह ये वीडियो अच्छी लगेगी। आज मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ इनके साथ का। तो अभी मैं ट्रैक्टर के अंदर जाऊंगा जो मशीन है ना, और अंदर बैठ के मैं बाकी आपको दिखाता हूँ कि ये काम किस तरह करती है और कितनी देर में ये भरती है सारा कुछ। बड़ा ज़बरदस्त सीन है अंदर के ना, वीडियो आपने ज़रूर देखनी है पूरी। तो चले मैं आपको अंदर ले कर चलता हूँ। ट्रैक्टर के अंदर आके बैठ गया हूँ, तो अभी मैं आपको ये देखें जी ये काट के ट्राली के अंदर डाल रहा है, और ये देखें जी ये सामने का सीन है। ये देखें मैं ट्रैक्टर के अंदर हूँ, फिर आवाज़ बिल्कुल थोड़ी आ रही है, और थोड़ा सा ये देखें ये गाड़ी चला रहे हैं जी चाओ तो जगह बिल्कुल थोड़ी है तो इसलिए वीडियो थोड़ा इसी तरह बनेगी। वो एलसीडी भी लगी हुई है, वो देख रहे हैं साथ साथ ना कि जो कार्ड के अंदर सही जा रहा है कि नहीं, बाहर तो नहीं गिर रहा, वो देखें वो सामने एलसीडी लगी हुई है ग्रास से। तो बड़ा ज़बरदस्त ये ट्रैक्टर भी बड़ा ज़बरदस्त है, ये जो मशीन है मतलब, तो ये देखें कितना प्यारा ये काट रहा है। ये मुझे पूछ रहा था कि पाकिस्तान में ये मशीन नहीं है, तो मैं इसको बोल रहा था कि मैंने तो नहीं देखी, मुझे नहीं लगता है कि नहीं, अगर जो देखने वाले हैं उनको अगर पता है पाकिस्तान में है तो प्लीज़ यार नीचे कमेंट्स करके बताएं। अच्छा ये देखें जी ये मशीन इस तरह की है कुछ, ये देखें सिंपल है, कोई इतनी मतलब टेक्नोलॉजी नहीं है पर है सिंपल है ये। ये सामने साथ एक ट्राली लगी हुई है, बड़ी ट्राली है ये, पाकिस्तान से जो ट्राली है उसके तकरीबन उससे 5 गुना बड़ी ये ट्राली होगी जिसके अंदर ये सारा जा रहा है। ये सारा इन्होंने काट लिया, अभी और भी काटना है। सामने जो है ये अंगूरों के खेत हैं, ये देखें आपको ये वीडियो कैसी लग रही है आप जरूर कमेंट्स करके बताएं, मुझे बड़ा मजा आ रहा है साथ बैठ के ना।
अभी इस तरफ से शुरू करेंगे शायद। वो एक और ट्रैक्टर जो है वो ट्राली जो है खाली खाली होके आ गई है, जैसे ये भरी जाएगी ना तो साथ ही वो लग जाएगा आके ना। ये देखें, ये साथ साथ कैमरे में देख रहा है एलसीडी में कि सही अंदर ट्राली के अंदर ही जा रहा है माल या बाहर तो नहीं जा रहा। वो देखे खाली ट्राली आ गई है, ट्राली देखें कितनी बड़ी है, ट्रैक्टर भी बहुत बड़े हैं ये ना, बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं ये। अच्छा जी, वो ट्राली भर गई है, अब दूसरी ट्राली जो है वो साथ आ गई है, लग गई है उसी टाइम ना। ये देखें वो साथ ही चारा उसके अंदर डालना शुरू कर दिया उन्होंने। दोस्तों मैंने इससे पूछा है कि ये जो मकई काटने वाली मशीन है ये कितने की है, कहता है मैंने 5 साल पहले ली थी 5 लाख यूरो की ना, तो वो तकरीबन 9 करोड़ रुपया बन जाता है पाकिस्तान का ना। और कह रहा था कि अभी इसकी जो प्राइस है ना वो तकरीबन हो गई है 9 लाख यूरो, तो इसको 9 को डबल कर लें और तकरीबन 17 करोड़ रुपये की ये मशीन है ये वाली ना पाकिस्तान में अभी नई, और इसने 5 साल पहले ली थी 5 लाख यूरो की ना, तो बहुत एक्सपेंसिव है ये मशीन तो। पर ये है कि ये काम बहुत जल्दी करती है, आप देख लें कितनी जल्दी ये कर रही है। देखें 3 ट्रैक्टर लगे हुए हैं और पास ही इनका फार्म है, उधर ये छोड़ने जाते हैं ये मकई ना, और इतनी स्पीड से ये काट रही है ये देखें ना आप। अच्छा जी, ये एक बार में ये 6 मीटर तक चौड़ी है ये ना, 6 मीटर ये काटती है, और ये 8 लाइनें हैं मकई की ना, 6 मीटर है और 8 लाइनें एक दफा ये काट जाती है, इतना मतलब ये चौड़ी भी है और स्पीड भी देख ले इसकी।